आज जो बढ़ने वाले मित्र थे जिनके जो स्टैंड थे तमाम लोग जो भी सुन रहे हैं वो सिर्फ नारायण सब नहीं रहे वो आश्वासन में क्या ब्रॉड डेड रजिस्टर होता है। ब्रॉड डेड रजिस्टर में एंट्री कर ली जाती है कि ये मृत अवस्था में है। उस ब्रॉड डेड रजिस्टर में इनकी एंट्री करते हैं। सामान्य प्रक्रिया ये है कि ब्रॉड डेड रजिस्टर में एंट्री के बाद हम लोग पुलिस इंक्वायरी भी करा लेते हैं। कोई किसी को मार के ले आया तो यहाँ से लिखवा के ले गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन हम लोगों ने कहा, जाँच किया और कहा कि नहीं, इनको हम लोग डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट भी देंगे और वो भी हमारे अस्पताल के द्वारा तुरंत निर्गत कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि एम्बुलेंस आने में विलंब हुआ। इनका आवास ठीक हमारे अस्पताल के बगल में, हम उनके आवास पे खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं, तो हम अस्पताल से बिल्कुल समीप हैं। चूँकि अपनी गाड़ी से आए थे मुझे लगा कि आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन 15 मिनट के बाद इन्होंने कहा कि आवश्यकता है, तो 15 मिनट हमें भी लगा, 15 मिनट हमने दिया है और कहीं कोई असम्मान नहीं, पूर्ण सम्मान है। और विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से भी, हम आपके साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं हैं। PMCH आपका अस्पताल है और वशिष्ठ नारायण सिंह भारत के गौरव। पूरे मामले की जांच भी करवाएंगे। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, आपको मालूम है कि जो भी अगर कोई शक की चिंगारी या कोई शक की रोशनी या शक का धुआं दिखाई देता है तो उसको हम टू द एंड इन्वेस्टिगेट कराएंगे और इसके ऊपर हम पूरा प्रतिवेदन जांचने के बाद आवश्यक कार्रवाई अगर हुई तो जरूर करेंगे। ठीक, मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ कि पटना मेडिकल कॉलेज एक संवेदनशील अस्पताल है और संवेदनताओं के मानक पर हम खड़े हो। ठीक, जो भी सुन रहे हैं वो सिर्फ नारायण सब नहीं रहे, वो यहाँ से पहुँच रहे हैं। सीएम यहाँ पहुँचे थे 5 मिनट तक, उन्होंने परिजनों से बातचीत की, साथ बना दिया और राजकीय समारोह की घोषणा भी की। निश्चित रूप से राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से पार्थिव शरीर को कुछ ही देर बाद आरा के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ के जो जिलाधिकारी है, SSP है, SP है, उनको सूचना दे दी गई है, उनके तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। उम्मीद तो नहीं थी महान और इस तरह के अरे यार, कोई मोबाइल से बाइक लोन है को जाओ ना जल्दी यार। जो भी सुन रहे हैं वो सिर्फ नारायण सब नहीं रहे, वो यहाँ से पहुँच रहे हैं। सीएम यहाँ पहुँचे थे 5 मिनट तक, उन्होंने परिजनों से बातचीत की, साथ बना दिया और राजकीय समारोह की घोषणा भी की। निश्चित रूप से राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से पार्थिव शरीर को कुछ ही देर बाद आरा के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ के जो जिलाधिकारी है, SSP है, SP है, उनको सूचना दे दी गई है, उनके तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। उम्मीद तो नहीं थी।